नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे रिलायंस शेयर की लेटेस्ट न्यूज के बारे में। रिलायंस अमेजोन का हाई कोर्ट अपडेट क्या है, रिलायंस शेयर प्राइस के टारगेट क्या होंगे कल के लिए, खास तौर पे इंट्राडे, और रिलायंस पीपी की शेयर एनालिसिस क्या होगी इंट्राडे बेसिस पे। तो दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें, इससे पहले आपको याद दिला दें हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिए, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर रिलायंस के शेयर की एनालिसिस करनी है कंप्लीट, बाई करें, होल्ड करें या सेल करें, तो उसके लिए हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, वी आर नॉट द सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियो आर फॉर द इन एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस ओनली। तो चलिए दोस्तों आप डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें, पूरा ध्यान से जरूर पढ़िए और तभी आगे मूव करिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट का स्टेटस जो है, जो न्यूज़ अभी अभी की निकल के आई है, 6 बजे की न्यूज़ है, 6:05 की, दिल्ली हाई कोर्ट लिफ्ट्स स्टेटस को ऑन फ्यूचर रिटेल रिलायंस ग्रुप डील। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ लिफ्टेड द स्टेटस को, जो कि फर्स्ट बेंच का जो था, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था, उसको उन्होंने स्टे कर दिया है बिटवीन फ्यूचर ग्रुप एंड विलेनियर मुकेश अंबानी रिलायंस वेंचर लिमिटेड। तो एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। द आर्गूमेंट वॉज मेड बिफोर ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस डीएन पटेल एंड जस्टिस ज्योति सिंह बाई सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द आर्गूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द US कंपनी। एज पर द ऑर्डर अमेजॉन हैड नो रीजन टू सीक ए स्टेटस को ऑर्डर। तो अमेजॉन का कोई इससे लेना देना नहीं है और ना ही कोई स्टेटस को ऑर्डर होगा। व्हेन इट वाजंट इंटरेस्टेड, तो जब इंटरेस्टेड नहीं थे डील में, तो उन्होंने यही कमेंट किया है कि इसमें कोई रीज़न नहीं है स्टेटस को ऑर्डर करने के लिए। तो द कोर्ट अपडेट क्या है, द कोर्ट इन इट्स ऑर्डर हैज ऑल्सो नोटेड दैट द डायरेक्शन पास्ड आर ओनली प्राइमा फेसी सो विल नॉट कम इन द वे ऑफ ऑर्डर टू बी पास्ड बाई द सिंगल जजमेंट। वी आर नॉट इंक्लाइंड टू डील विद द इशू रेस्ड एज द सिंगल बेंच ऑर्डर इज यस टू बी प्रोनाउंस इट सेड एज द फर्दर रिपोर्ट। ऑन February 2 द हाईकोर्ट हैड डायरेक्टेड स्टेटस को ऑन द डील बिटवीन द फ्यूचर रिटेल डील। तो एक बड़ी खबर रिलायंस के लिए, राहत की खबर नज़र आ रही है। तो हम लोग इंट्राडे बेसिस पे कह सकते हैं कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और जिसकी वजह से रिलायंस का शेयर अब काफ़ी मूव कर सकता है। तो एक बिग खबर है, तो उसके बेसिस पे इंट्राडे टारगेट क्या हो सकते हैं जल्दी से हम लोग पता लगा लेते हैं। और आज कहीं ना कहीं इसकी एक भनक थी, इसी वजह से आज रिलायंस में लगभग 1.5% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आज का जो, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, तो यहाँ से जो प्रीवियस क्लोज था 1923 पे था और आज जो क्लोज दिया है 1951 पे दिया है, जो कि हाई 1969 का करीब बना है। तो कह सकते हैं कि आप यहाँ से डेफिनेटली कल देखिएगा तो गैप अप ओपनिंग होगी, लगभग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-1.5% अपसाइड ओपन होने के लगभग। तो आप अगर इंट्राडे बेसिस पे देखिए तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, अगर 5 दिन का हम लिप चार्ट ले लें तो 1907 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर के लेवल इस बार 1965 के ऊपर सस्टेन कर गया, यानी कि 2000 के ऊपर अगर ये गया तो डेफिनेटली मान के चलिए कि 2100 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली कल के ट्रेडिंग सेशन में ये 2000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसको ये ब्रेक कर सकता है कहीं ना कहीं। ये हमारी सेल्फ की एनालिसिस है। अगर हम रिलायंस पीपी देखें तो रिलायंस पीपी भी कहीं ना कहीं आप यहां से देखिए तो 5 दिन का हम लोगों ने चार्ट लिया है, तो 1030 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और करंट लेवल से बाई कर लीजिए तो लगभग गैप अप ओपनिंग होगी। तो जो भी ओपनिंग हो, थोड़ा सा कूल ऑफ हो तो बाई कर लीजिए। और लगभग कल के ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग 1130 से 1140 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे। तो लगभग कह सकते हैं यहाँ से 4-4.5% का जंप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस न्यूज़ के बेसिस पे। और रिलायंस का जो शेयर है, जिस वजह से कंसोलिडेट कर रहा था, नहीं चल पा रहा था, वो एक बड़ी राहत की खबर उनको नज़र आ रही है। तो अब अगर हम ये लोग फिर से देखें दोस्तों, ये 3000 का जो सपोर्ट, 3 मंथ का अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो 2074 पे इसने डाउन ट्रेंड लिया था। अगर इसने 2074 के लेवल को ब्रेक कर दिया
लगभग 2066 का लेवल है। तो 2066 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसमें जो आप पहले के लेवल देख रहे थे जुलाई अगस्त के लेवल, वो भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 2300-2400 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया। तो डेफिनेटली इस शेयर में बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए। और स्टॉप लॉस आप 1825 का जरूर लगाइए, लेकिन जैसे ही 2066 का लेवल ब्रेक करेगा इसमें बहुत तगड़े अपसाइड जंप देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी खबर, राहत की खबर और बढ़िया खबर निकल के आ रही है, और रिलायंस पीपी के लिए भी बढ़िया खबर है। और यहाँ से अगर ये जिस दिन ये शेयर 1168 को क्रॉस करेगा इसमें 1300-1400 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो कल के दिन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5-3% का जंप यहाँ से शेयर दिखा सकता है, 3-3.5% का। और डेफिनेटली तो शेयर मार्केट चूँकि रिस्क के अधीन है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए और अपने इंट्राडे टारगेट भी फिक्स रखिए। थैंक यू दोस्तों।